नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी समाधान। यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो औषधि पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के अनेकों फायदे हैं। दोस्तों, जहां पर भी यह पौधा मिल जाए तो मेरे बताए अनुसार इस पौधे का उपयोग कर लीजिए, आपकी अनेक बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। इस पौधे का नाम है नागदौन। इसे नागदौन, नागदमन या नागदमनी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नागदौन का किसी भी पार्ट, यानी कि इसके पौधे का कोई भी हिस्सा, पत्ती, टहनी, अगर आप तोड़ करके अपने गमले में लगा देंगे तो वहाँ पर यह नया पौधा बन जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है पाल्स की समस्या में। अगर आपको पाल्स की समस्या है, अगर आपको फिसर की समस्या है, और इन दोनों में ही आपको तेज़ ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को तत्काल रोकने के लिए और आपकी पाल्स और फिसर को ठीक करने के लिए यह पौधा ज़बरदस्त माना जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वह आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा परेशानी रहती है पाल्स की, ज़्यादा बवासीर की परेशानी रहती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो आपको काम करने में मन लगेगा, ना आपको कुछ उठने बैठने में मन लगेगा, क्योंकि उसमें भयानक पेन होता है, भयानक दर्द होता है। उस दर्द, उस पेन को हरने के लिए और जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको दूर करने के लिए आप इस नागदौन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, नागदौन का पत्ता तोड़ लीजिए। इसको तोड़ने से दूध निकलता है, दूध भी बहुत बेहतरीन होता है आपके कील मुहासों को दूर करने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, नागदौन का पत्ता, एक पत्ता तोड़िए और उसे चबा करके खाली पेट आप खा जाइए। ऐसा आपको दिन में दो बार करना है, सुबह भी और शाम भी। अगर करते हैं ना, तो पहले दिन से ही आपको काफ़ी फर्क पड़ने को मिलता है। आपको इसे 2 से 3 दिन कंटिन्यू करना है, ज़्यादा दिन नहीं करना। 2 से 3 दिन में ही आपकी पाल्स, आपका फिसर और पाल्स में जो ब्लीडिंग होती है ना, वो बंद हो जाती है और पाल्स भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मस्से हैं तो इन पत्तियों को तोड़ करके पीस करके मस्सों पे लगा लीजिएगा, मस्से सूख जाते हैं, मस्से मुरझा जाते हैं। जहाँ दर्द, खुजली होती ना, उसमें अच्छा असर करता है। तो पाल्स में, बवासीर और फिसर में सबसे अच्छा, बेहतरीन काम करता है यह नागदौन। इसका जो अगला प्रयोग है ना, वह आपके चर्म रोग पर। जैसे अगर आपको चर्म रोग है, दाद, खाज, खुजली की समस्या है, सोरायसिस की समस्या है, तो दाद, खाज, खुजली और सोरायसिस में आप इन पत्तों को पीस कर उस स्थान पर लगा सकते हैं। पत्तों को पीस कर लगाइए, आपके चर्म रोग गायब हो जाते हैं। अगर पत्तों को पीस करके लगाते हैं तो भी गायब हो जाते हैं, या फिर इनकी पत्ती और टहनी पर तोड़ने से जिसमें सफ़ेद कलर का दूध निकलता है, उस दूध को अगर आप अपने चर्म रोग पर लगाते हैं, दांत पर लगाते हैं, खाज पर लगाते हैं, खुजली पर लगाते हैं, तो ऐसा करने से दांत, खाज, खुजली एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। यानी कि आप इसका रस लगाएंगे तो कुछ दिन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका दूध लगा लेते हैं तो दूध पहले दिन में ही असर दिखाता है, और 1 से 2 दिन लगाने से ही परमानेंट आपकी दांत, खाज, खुजली क्योर हो जाती है। ये बहुत ही अनुभूत प्रयोग है, बहुत ही आजमाया इसका प्रयोग है, पाल्स में, फिसर में और चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली में अच्छा काम करता है। तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।